अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज हम बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ के जी यहाँ पर कीमा लिया है, बारीक वाला कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, आप मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मीडियम साइज प्याज बस मैंने ऐसे रफली चॉप कर ली है, 4 से 5 लहसुन ली है और 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा लिया है, 7-8 हरी मिर्चें ली हैं या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, 2 मीडियम साइज टमाटो मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिए हैं, उसके बीज और उसके अंदर का जो पानी होता है वो निकाल कर बहुत बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून अनारदाना पाउडर लिया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप टोटल 1 टीस्पून इसमें अनारदाना पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, सुमाक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 टेबलस्पून धनिया जो होता है कोरिएंडर सीड्स वो लिए हैं। इन तीनों को मैंने अच्छे से थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है, भून लेना है और उसके बाद इसको दरदरा पीसना है, मोटा मोटा एकदम, ऐसे के जैसे हाफ हाफ टुकड़े हो जाए उसके, बस ऐसे ही इसको मुझे दरदरा पीस लेना है। 3 अंडे लिए हैं जिसमें से 1 अंडा मैंने इसमें ऐसे ही डालना है और 2 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाकर या भुर्जी बनाकर डालना है। शैलो फ्राई करने के हिसाब से ऑयल की ज़रूरत है तकरीबन 1/4 कप से 1/2 कप के करीब, नमक ज़रूरत के हिसाब से लेना है, धनिया जीरा और लाल मिर्च मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी, अब उसको मैंने इस चॉपर में पीसना है, मैं मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ, इस चॉपर में बिल्कुल अच्छे से वो वैसे ही दरदरा कुटा जाएगा जैसे मुझे चाहिए। ये आप देख सकते हैं बस इस तरीके का मोटा मोटा मुझे ये चाहिए, ये मैंने पीस लिया है। अब इसी चॉपर में मैंने प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐसे ही दरदरा पीस लेना है। ये इस तरीके से सारा जो है मसाला, प्याज, अदरक लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च पीसी जा चुकी है। अब एक बड़े बोल में मैंने कीमा डाल दिया है, कीमा डालने के बाद अब उसके अंदर मैंने ये प्याज जो है, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया जो कूट कर रखा था ये पूरा मैंने उसमें डालना है। उसके साथ ही मैंने ये जो दरदरा सा मसाला कूट के रखा था ये भी मैंने इसमें डाल देना है, ये गरम मसाला जो रखा था ये भी डालना है, ये चाट मसाला और अनारदाने का पाउडर जो था ये भी मैंने डाल देना है, जरूरत के हिसाब से नमक डालना है, ये टमाटो जो है ये भी मैंने इसमें डाल देना है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1/2 से 1/4 घंटा ऐसे ही मैरिनेट करके छोड़ देंगे। इसको रखकर अभी 1/2 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब हम इसके अंदर ये जो 3 अंडे रखे हुए थे उसमें से 1 अंडा डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हाथ को एकदम दबा दबा कर मिक्स करना है ताकि सारा मसाला अच्छे से एक जान हो जाए और वो जो टमाटो वगैरह है वो थोड़ा सा मैश हो जाए, उसमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे मुट्ठी से ऐसे दबा दबा के हम इसको करेंगे। ये बाकी 2 अंडे मैंने यहाँ पर एक बोल में ले लिए हैं और उसके बाद मैंने उसको हल्का सा बस फेंट लेना है, सिर्फ उसकी जर्दी जो है वो खुल जाए, बस इतना मुझे उसको फेंट लेना है। अब एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून के करीब और उसमें मैंने ये अंडा डालना है, मैंने तेल गर्म होने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि वरना अंडा जो है वो फ़ौरन से ऑमलेट बन जाएगा। मैंने इसको बस ऐसे ही स्क्रैम्बल्ड एग की तरह, मैंने इसको भुर्जी की तरह बस ऐसे ही मिक्स कर लेना है, रफली बस ऐसे ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और पूरा अच्छा ऑमलेट भी नहीं बनाना है, और पूरा मैंने इसको पकाना भी नहीं है, बस इतना ही थोड़ा सा पकाना है, बस तकरीबन समझ लीजिए 15 से 20 सेकेंड मैंने इसको पका दिया, बस अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है।
उसके बाद ये जो मैंने अभी भुर्जी जैसा बनाया है, जो अंडे को मैंने स्क्रैम्बल किया है, वो मैंने इसके अंदर डालना है। और उसके बाद मैंने इसको पहले स्पून से जरा मिक्स करने की कोशिश करना है क्योंकि अभी गर्म है। और उसके बाद मैंने इसको हाथ से अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। ये अंडा जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। चपली कबाब की यही खासियत है कि इसके अंदर अंडा जो है ऐसे भी पड़ता है, ऐसे भी हम इसमें अंडा डालते हैं ऑमलेट बनाकर या स्क्रैम्बल करके या भुर्जी बनाकर। ये कबाब जो है साइज में थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल कबाब से और ओवल शेप होता है इसका हल्का सा। अब ये तकरीबन ठंडा हो गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से इसको पूरा एक जान कर लूंगी, अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। जिस फ्राई पैन में मैंने चपली कबाब बनाना है वो मैंने चूल्हे पर रख दिया है और उसमें 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल भी डाल दिया है और मैं उसके गर्म होने का वेट कर रही हूँ। अब हाथ मैंने अच्छा गीला कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये बैटर हाथ में लिया है कीमे का, और इसको मैंने ऐसे चपटा करके लंबा सा ऐसे 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 इस शेप में मैंने इसको बनाना है, लंबा करना है और चपटा करना है। इसको चपली कबाब इसलिए कहते हैं, चपली जो ये वर्ड जो है पश्तो लैंग्वेज से आया हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तानी डिश है। चपरिख से ये वर्ड बना हुआ है, उसका मतलब होता है चपटा और फ्लैट। जैसे समझ लीजिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो चप्पल की तरह। तो ये जो है चपली कबाब देखिए इस शेप में मैंने बना दिया है। अब इसके बाद मैंने इसको संभाल कर इस फ्राई पैन में संभाल कर मैंने इसमें डालना है इसको। एक साथ मैंने 3 कबाब यहाँ डाल दिए हैं और इसको मैंने अच्छे से फ्राई करना है। इसको बिल्कुल भी चम्मच पहले नहीं लगाना है, इसको थोड़ी देर तक मुझे अच्छे से फ्राई होने देना है। जब किनारों से मुझे ये नज़र आएगा कि ये पक रहा है नीचे से या पक गया है तभी मैंने इसको टच करना है, वरना ये टूट सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एक तरफ से जो है ये फ्राई हो गया है तकरीबन। मैंने इसको संभाल कर पलटना है ये ऐसे। दूसरा भी मैं ट्राई करती हूँ ये ऐसे। अब ये कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैंने इसको निकाल देना है, संभाल कर निकालना है, बहुत ऑयल ड्रेन कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको इस पेपर टॉवल में डालना है, संभाल कर निकालना है और पेपर टॉवल में डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी चपली कबाब खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैंने पुदीने की चटनी के साथ और थोड़े से सैलड के साथ सर्व किया है। वैसे तो इसको दही का जो रायता होता है उसके साथ सर्व किया जाता है, लेकिन मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाइए, इसका मज़ा लीजिए। ये दूसरे कबाब से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें टोमेटो भी है। इसको घर पर ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।